पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियों को प्रस्तुत करें। हो गया। क्वेश्चन लिखिए, मतलब एक हेडलाइन डालिए, उसमें अब क्वेश्चन आंसर ही बना देते हैं, ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन आंसर बना देते हैं। लिखिए, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? आंसर लिखिए, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को किस अभिलेख से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं? इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। आंसर लिखो, 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई। मध्य भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किससे मिलता है? आंसर लिखो, यवन राजदूत होलियोडोरस के विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुम्फा। नेक्स्ट लिखिए, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? आंसर लिखो, सह गौड़ा। सह गौड़ा। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है? आंसर लिखिए,
भीतरी स्तंभ लेख से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे प्राप्त होती है? आंसर एरन अभिलेख से। नेक्स्ट, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास किनके आधार पर लिखा गया है? आंसर लिखिए उनके अभिलेखों के आधार पर। रेशम बुनकर की श्रेणियों के बारे में, रेशम बुनकर की श्रेणियों के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। नेक्स्ट, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आंसर लिखिए आहत सिक्के या कासारपट। आहत सिक्के या कासारपट। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने आरंभ किया? आंसर लिखिए यवन शासकों ने। महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसी के अंदर है पुरातत्व तो संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। पुरातत्व के अंतर्गत ही आ रहे हैं अभिलेख, आप लोग पढ़े भी हैं क्लास 12th में। अभिलेख में है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें तिथि नहीं है, तिथि दिया हुआ नहीं है, तिथि नहीं दे अभिलेख है। ये शासक इसका मतलब किस शासक के अंतर्गत लिखा था? तो कलिंग राज खाड़वेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन टू। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। समझ गए अभिलेख था और उसके शासक था, किस शासक के अंतर्गत लिखा गया, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन लिखिए अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ईपिग्राफी। ईपिग्राफी। उत्तर भारत के मंदिरों की कला, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती थी?
यह क्या कहलाई? उत्तर लिखिए नागर शैली। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाई? इसका उत्तर है द्रविड़ शैली। लुसेंट में प्राचीन भारत का अध्ययन के लिए टोटल 26 चैप्टर दी है। पहला चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और दूसरा स्रोत है, दूसरा चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल, यही ना? तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल लिखिए, देखिए इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है? इसका उत्तर लिखिए तीन भागों में। पहला प्रागितिहास, प्रागितिहास, सेकेंड आध इतिहास, तीसरा इतिहास। पहला लिखकर डस दे दीजिए। प्रागैतिहासिक काल वही हुआ, प्रागैतिहास का मतलब ये हुआ। देखिए जिस काल में मनुष्य ने, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण, लिखित विवरण नहीं दिया है, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब ऐसा कह सकते हैं कि उस समय लेखन शैली था ही नहीं, कोई लिखने जानता ही नहीं था भाषा, समझे? दूसरा लिखकर डस दीजिए। आध इतिहास, आध ऐतिहासिक काल। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, उसे आध ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतिहास लिखकर डस दीजिए। जिस काल का विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है उसे इतिहास कहा जाता है। कैसा लेखन शैली आया कि व्यक्ति पढ़ नहीं पाया, तो वो हो गया आध इतिहास। उसके बाद तीसरा है इतिहास। इतिहास का मतलब जो भी घटनाएं घटित हुई, जो भी हुआ उसको मनुष्य लिख पाया और पढ़ पाया, यह हो गया इतिहास।
तो इतिहास को अध्ययन के दृष्टि से या समझने की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया। पहला, बोलिए पहला प्राग इतिहास, दूसरा आद इतिहास, तीसरा इतिहास। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ? आंसर लिखिए, लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। लिखिए क्वेश्चन, पूर्व पाषाण युग या पुरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? उत्तर लिखिए, शिकार। यह उस समय मनोरंजन के भी साधन थे। कोमा दे करके, शिकार लिख करके कोमा दीजिए, उसके बाद लिखिए, यह उस समय मनोरंजन के भी साधन थे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? अग्नि, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? उत्तर लिखिए, नवपाषाण काल में। मनुष्य में अस्थाई निवास करने की प्रवृत्ति किस काल में उत्पन्न हुई या किस काल में हुई? आंसर लिखिए, नवपाषाण काल में। सर्वप्रथम मनुष्य किस जानवर को पालतू बनाया? आंसर लिखिए, कुत्ता को। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया और किस लिए? देखो, तांबा का कुल्हाड़ी बनाने के लिए, तांबा का कुल्हाड़ी बनाने के लिए। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? इसका उत्तर लिखिए, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है?
इसका उत्तर लिखिए गेहूं और जौ। उसी में लिखिए लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था, यानी प्रयोग में लाने